अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन चाइनीज समोसा पंजाबी स्टाइल में। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने आधा किलो मैदे का आटा ली हूँ। सबसे पहले हम समोसे के लिए आटा गूंद लेंगे। आटे में मैं डालूँगी आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी नमक, दो स्पून में तेल डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी डाल के आटे को गूंदूँगी। आटा हमें घटी गूंदना है, नरम नहीं करना है। आटा गूंदकर हो चुका है। अभी मैं आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के चारों तरफ लगा लूँगी। तेल लगा दी हूँ मैंने और इसके ऊपर ढक्कन ढक के मैं इसे साइड में रख दूँगी। समोसे का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 स्पून बटर। अब मैं डालूँगी 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्ची पीसी हुई, मिर्ची को मैंने मोटा मोटा पीसी हूँ। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, और इसे भी हल्का सा भूनूंगी। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, कच्चा ही रखना है। प्याज नरम हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी चिकन। ये 200 ग्राम चिकन है, इसको मैंने उबाल कर इसके रेशे निकाली हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची। अभी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1/2 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून विनेगर, नमक स्वाद के हिसाब से, 2 पैकेट मैगी मसाला। सभी मसाले को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला सब मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसे गैस पे से उतार लूँगी। अभी हम मैगी उबाल लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें मैगी डालूँगी। मैंने 2 पैकेट मैगी ली हूँ। मैगी हमारी पक चुकी है। अभी मैं इसे मैगी को निकाल कर समोसे के मसाले में डाल दूँगी। मैगी को अभी मैं मसाले में सब मिक्स कर लूँगी। मैगी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में। अभी मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच मेयोनीज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम समोसे की रोटियाँ बेल लेंगे। आटे को अभी मैं हल्का सा मसल लूँगी। आटा मसल कर हो चुका है। अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा हमें रोटी के साइज का ही बनाना है। ये साइज के हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर हो चुके हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। बेल कर हो चुका है। अभी मैं बीच में से इसे कट करूंगी। रोटी को मैंने जाड़ा ही बेली हूँ, पतला नहीं बेली हूँ। हमें जाड़ा ही बेलना है। इसके ऊपर अभी मैं पानी लगाऊंगी। पानी लगाने से ही अच्छे से चिपक जाता है।
अभी मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूंगी। अभी इसमें मैं मसाला भर दूंगी। अभी हमें इसे ऐसे करना है और इसे दोनों तरफ को ऐसे हम चिपका देंगे। ये देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया। दूसरे समोसे को भी हम पानी लगाकर उसी तरह फोल्ड करेंगे। और इसमें भी मसाला भरेंगे। अब इसे भी हमें इस तरीके से ऐसा करके फिर ऐसा दबा लेंगे। समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। समोसा फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दी हूँ और तेल हमें एकदम गर्म नहीं करना है, एकदम कुमकुमे तेल में हम डालेंगे समोसे। ज़्यादा गर्म तेल में डालने से हमारे समोसे जो है खस्ता नहीं बनेंगे, पूरिया हो जाएंगे, इसीलिए हमें कुमकुमे तेल में डालना है समोसा। देखिए तेल गर्म होने के बाद समोसे जो है ऊपर आ रहे हैं। देखिए सभी समोसे हमारे ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे थोड़ा। देखिए समोसे माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे समोसे को तल लेंगे। हमने सारे समोसों को तल लिए हैं। माशाल्लाह चिकन चाइनीज समोसा पंजाबी स्टाइल में बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन चाइनीज समोसा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।